संपन्न हुआ। जनपद एटा से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने 8,406 मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। जन टीवी संवाददाता राज वर्मा ने नव निर्वाचित हुए पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता से खास बातचीत की। तो जनपद एटा नगर पालिका अध्यक्ष नवनिर्वाचित सुधा गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि जनता के बीच में इन्होंने वादे किए, आज उनसे बात करते हैं कि जो प्राथमिकता रहेगी वो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले प्राथमिकता हमारे नगर के विकास के लिए रहेगी, साफ सफाई से लेके जो भी कार्य होंगे, चाहे पार्क हो, चाहे सड़कें हों, चाहे नालियाँ हों, सारा जो है विकास पर ही ध्यान दिया जाएगा और जनता को, जनता की आवाज़ को सुना जाएगा। आज जैसे कि बदलाव हुआ है तो इससे इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? अपनी जनता को। 10 साल से लगातार राकेश गांधी और उनकी पत्नी रही थी नगर पालिका में, कई भ्रष्टाचार के आरोप भी रहे थे, तो उस पर आप किस तरीके से काम करेंगे? 10 साल से जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, और सबसे पहले तो नगर पालिका को मुक्त कराऊंगी। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उनके उनके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रसिद्धि कुछ विद्यालय हैं जिनकी जर्जर हालत पड़ी हुई है, हाँ। उनपे शिक्षा के, उनको भी ध्यान देंगे, देखेंगे, पहले जाएंगे और उसको देखेंगे क्या सब सही कराया जाएगा जो भी होगा। जिस तरीके से आपने अभी सुना, नव निर्वाचित सुधा गुप्ता जी जो नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई है, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब इनकी प्राथमिकता रहेगी जो कि बीते दिनों नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनकी जो फाइलें खोली जाएंगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के प्रति उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो जर्जर हालत प्रसिद्ध विद्यालयों की पड़ी हुई है उन पर काम करेंगे।